नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीपीप चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल टेलीपीप पर। और अब बात करने जा रही हूं कल इस टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे आप सभी के पसंदीदा शो सुहागन की। जी हाँ, क्योंकि आप सभी के पसंदीदा शो सुहागन की कहानी में साक्षी को हो रहा है फुल ऑन डाउट पायल पर, क्योंकि पायल जो है कहीं ना कहीं अभी भी किसी साजिश को, किसी बड़े साजिश को अंजाम दे रही है। ऐसे में जो साक्षी है वो अब बदल चुकी है और वो पायल को उसके किसी भी इरादे में कामयाब नहीं होने देना चाहती है, और इसीलिए साक्षी जो है वो पायल पर नजर रखे हुए है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पायल फिर से कोई बड़ा कांड कर दे जिसका कीमत जो है साक्षी को चुकाना पड़ जाए। इसीलिए पायल जो है इस बार काफी बड़ा मकसद को अंजाम दे रही है और उस पर नजर रख रही है साक्षी। और साक्षी को जैसे ही डाउट होता है पायल की एक्टिविटीज को लेकर, पायल पर डाउट होता है, वैसे ही वो इस बात का जिक्र इंदु के साथ करती है और उसे बताती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पायल जो है वो कुछ ना कुछ खुराफात कर रही है। लेकिन इंदु जो है हमारी जो साक्षी है उसकी बातों को इग्नोर कर देने वाली है, क्योंकि वो कहने वाली है कि ये क्या ही करेगी, ये तो बिस्तर पे पड़ी हुई है, इसकी तो एक टांग भी काम नहीं कर रही है, बैठे बैठे क्या ही कर लेगी। जिस बात से हमारी पायल और ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और मन ही मन कहती है कि अभी तुझे पता चलेगा बुढ़िया कि तेरे साथ क्या क्या होगा, ये पायल बैठे बैठे भी तुम सबकी जिंदगी को अपनी उंगली पर नचा सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं गुणवंती को अपने हाथ में लेकर, उसको ब्लैकमेल कर, उसको पैसों का लालच देकर वो जो है पूरे शुक्ला परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार होने वाला है सीरियल सुहागन का आगे आने वाला ट्रैक, क्योंकि यहाँ पर कुश्ती देखने को मिलेगी, चालबाजी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ हमारे कृष्णा और बिंदिया की प्रेम की परीक्षा भी देखने को मिलेगी, जिसमें कृष्णा और बिंदिया पास होंगे या फेल, ये देखना काफी मजेदार होगा। इसलिए बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा अपना पसंदीदा शो सुहागन।